बिहार की सियासत की बात की जाए सर, अब नीतीश कुमार ने ऑपोजिशन यूनिटी की बात की है, उन्होंने कांग्रेस से यहाँ साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस को अगर समय है तो कांग्रेस आए बात करे, अगर ऑपोजिशन यूनिटी होती है तो मैं 100 के नीचे बीजेपी को ला दूंगा। देखिए, नीतीश कुमार तो बहुत परिपक्व आदमी, इसमें दो राय है नहीं। नीतीश कुमार बहुत दिनों से कोशिशमंद है, फिक्रमंद है, ये भी दुनिया जानती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इस मामले में क्या बोलूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन विपक्ष का मामला पूरे देश का मामला है और विपक्षी एकता पूरा देश चाहता है, उसमें वो लीड ले रहे हैं। मैं समझता हूँ धीरे धीरे सब कोई उस लीड के कायल होते हुए, उनके नेतृत्व के कायल होते हुए, नेतृत्व कायल ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रधान, उन्होंने खुद कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, दावेदार नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ लीड लेते हुए, उनका कायल होते हुए, धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली विपक्ष के लोग, विपक्षी एकता होगी। कहाँ तक होगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन होगी ज़रूर। और जहाँ तक उनकी दूसरी बात का सवाल है, हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या उनकी जो टीम है, उनकी पार्टी जो है, उनके बहुत अच्छे दिन नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था और इसको नीतीश कुमार ने भी समझाया जाना है और हमारे खड़गे साहब ने और अपोजिशन के तमाम बड़े बड़े नेता, जिसमें हमारी अपनी ममता जी भी हैं टीएमसी की, सबका ये सब अनुमान ही नहीं बल्कि संकल्प है कि विपक्षी एकता के साथ, अपनी जनशक्ति के साथ, भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों की धन शक्ति का जवाब देते हुए वो लोग ज़रूर उनकी शक्ति को बहुत क्षीण कर देंगे, 100 क्या 100 से कम भी हो सकता है।